पेज नंबर 10, न्यूमेरिकल नंबर फर्स्ट, बोलिए बेटा फर्स्ट न्यूमेरिकल। फोर माइक्रोकूलम एंड 2 माइक्रोकूलम आर प्लेस्ड 2 मीटर अपार्ट, आर प्लेस्ड 2 मीटर अपार्ट। देखिए, अ थर्ड चार्ज ऑफ 3 माइक्रोकूलम इज प्लेस्ड एट मिड पॉइंट ऑफ लाइन ऑफ ज्वाइनिंग। तो बेटा ये डिस्टेंस बची 1 मीटर और ये डिस्टेंस बची 1 मीटर। फाइंड द नेट फोर्स ऑन थर्ड चार्ज, यही है क्वेश्चन। ये बताइए इस थर्ड चार्ज पर फोर्स कौन कौन लगाएगा। एक साइड से फोर्स लगाएगा 4 माइक्रोकूलम और एक साइड से फोर्स लगाएगा 2 माइक्रोकूलम, ऐसा ही होगा। फोर्स ऑन एम ड्यू टू ए, तो फोर्स ऑन एम ड्यू टू ए फॉर्मूला 9 × 10⁻⁹ Q1, 4 × 10⁻⁶ Q2, 3 × 10⁻⁶ अपॉन आर स्क्वायर। तो कितना आ गया एफ एम ई, 12 K × 10⁻²। ये फोर्स अट्रैक्शन का होगा या रिपल्सन का। रिपल्शन, क्योंकि दोनों चार्ज प्लस के हैं। अब इस एम पर फोर्स कौन लगाएगा, बी। फोर्स ऑन एम ड्यू टू बी 9 × 10⁹ Q1, Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो एफ एम बी आ गया 6 K × 10⁻²। एट्रैक्शन या रिपल्सन, तो यहां भी फोर्स ऑफ रिपल्सन। क्योंकि फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है तो फॉलो करेगी वही वेक्टर एडिशन लॉ। वेक्टर एडिशन लॉ का मतलब हमें निकालना होगा रिजल्टेंट। रिजल्टेंट तब निकलेगा जब डायरेक्शन बनेगी। बताओ भाई, ये बनाया हमने कटप्पा, अब इस कटप्पा को कौन कहां खींच रहा,
कौन धक्का मारेगा, कौन खींच रहा, ये बताओ। अच्छा ये बताओ, ए क्या करेगा, इसको अपनी साइड खींचेगा कि धक्का मारेगा, पुश करेगा, धक्का मारेगा, रिपेल करेगा, तो ये किसकी डायरेक्शन हुई, फोर्स ऑन एम ड्यू टू ए। ठीक है, अब बताओ बी क्या करेगा इस एम को, बी भी रिपेल करेगा, तो बी इस साइड धक्का मारेगा, तो दोनों की डायरेक्शन कैसी है, अपोजिट है तो सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। लिख लीजिए एफ एम ई एंड एफ एम बी आर इन अपोजिट डायरेक्शंस। एफ एम ए एंड एफ एम बी आर इन अपोजिट डायरेक्शंस, सो रिजल्टेंट फोर्स इक्वल एफ एम ए माइनस एफ एम बी। ट्वेल्व के में से सिक्स के कम कर लो, एंड में के की वैल्यू 9 × 10⁻¹। तो आंसर आ गया 54 × 10⁻³ न्यूटन। जल्दी नोट कीजिए, चलिए क्वेश्चन नंबर टू। हाँ सानिया, क्वेश्चन नंबर टू पर दिए। देखिए बेटा, टू चार्जेस 2 μC एंड -3 μC आर प्लेस्ड 4 मीटर अपार्ट। आ थर्ड चार्ज ऑफ 4 μC इज प्लेस्ड एट मिड पॉइंट। तो ये डिस्टेंस कितनी बची, 2 मीटर, और ये डिस्टेंस भी 2 मीटर। फाइंड नेट फोर्स ऑन 4 μC। तो फिर वही बात, एम पर फोर्स कौन कौन लगाएगा, फोर्स ऑन एम ड्यू टू ए, 9 × 10⁹, Q1, Q2 अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। तो एफ एम ई कितना आ जाएगा, 2 का स्क्वायर 4, 4 से 4 कैंसिल, 2K × 10⁻²।
ये भी प्लस का, ये भी प्लस का, तो ए एम को क्या करेगा? ये रहा एम, ए क्या करेगा? एम को धक्का मारेगा, रिपेल करेगा। तो ये है एफ एम ए। अब हम आते हैं एफ एम बी पर। एफ एम बी इक्वल के क्यू वन 4 माइक्रो कूलम। ये बताइए क्यू टू क्या हम यहां -3 रखेंगे? ये बात सबको मालूम है, फोर्स कभी भी माइनस का नहीं होता, तो यहां रहेगा 3, नीचे 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, कैंसिल हुआ 3K × 10^12। एक प्लस का है, एक माइनस का, अट्रैक्शन या रिपल्सन? अब जरा बताओ, ये माइनस का चार्ज है, ये एम को क्या करेगा? अपनी साइड खींचेगा। तो ये एरो काहे का होगा? एफ एम बी का। अब एफ एम ए और एफ एम बी दोनों सेम डायरेक्शन में हैं, तो रिजल्टेंट फोर्स क्या हो जाएगा? एफ एम ए प्लस एफ एम बी। एड करेंगे तो 3 और 2 5, तो आंसर आ जाएगा 45 × 10^-3 न्यूटन। कोई दिक्कत किसी को? नेक्स्ट। हाँ बेटा, देखिए सबसे पहले तो दोनों चार्जेस हैं 5 मीटर अपार्ट। कितने कितने माइक्रो कूलम है बेटा? 3 है। अब आपसे कहा गया कि एक थर्ड चार्ज जो है वो ए से 4 मीटर और बी से 3 मीटर है, तो क्या थर्ड चार्ज इस लाइन पे होगा? ऐसा क्वेश्चन सब लोग कर चुके हैं पहले भी। थर्ड चार्ज होगा अब लाइन ऑफ ज्वाइनिंग के बाहर। ये रहा थर्ड चार्ज, ए से 4 मीटर, बी से 3 मीटर। कितना है बेटा थर्ड चार्ज? 3 माइक्रो कूलम। तो ये तो बन गया एक राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है। आपसे कहा गया फाइंड नेट फोर्स ऑन 3 माइक्रो कूलम, इस पर फोर्स निकालना है। तो इस एम पर फोर्स कौन कौन लगाएगा? पहले तो एफ एम ए, के Q1, Q2 अपॉन 4
का स्क्वायर 16। तो ये आ गया 3k × 10 to the power −12 by 4। अट्रैक्शन या रिपल्सन? रिपल्शन। तो अगर हम यहां कटप्पा को बिठा लें एम पर, तो ए क्या कर रहा है, एम को धक्का मार रहा है, रिपेल कर रहा है। ये होगा एफ एम ए। अब निकालेंगे एफ एम बी, के Q1, Q2 अपॉन 3 का स्क्वायर 9। तो ये आ गया 2k × 10 to the power −6। ये प्लस का है, ये भी प्लस का है, रिपेल एफ एम बी। अब बेटा रिजल्टेंट फोर्स कैसे आएगा? दोनों के बीच में एंगल कितना है? तो रिजल्टेंट का फॉर्मूला अंडर रूट cos 90। cos 90 होता है 0, तो इतना पोर्शन 0 हो जाएगा। अंडर रूट ए स्क्वायर, तो 9k² by 16 × 10 to the power −24। ये तो हो गया ए स्क्वायर। इसके बाद बी स्क्वायर 4k² × 10 to the power −24। कौन कॉमन लेके बाहर आ गया? अंडर रूट में बचा 9 by 16 + 4। अब इसे सॉल्व करते रहना आराम से। न्यूमेरिकल नंबर 4, बोलिए बेटा। ठीक, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है हमारे पास, ये रहा, जिसकी साइड है 3 मीटर। इसके वर्टेक्स पर चार्जेस क्या क्या रखे हैं? कितने माइक्रोकूलम? 3 माइक्रोकूलम। यहां एम नाम दे रहा है इसको, यहां भी है 3 माइक्रोकूलम।
फाइंड नेट फोर्स ऑन एनी वन वर्टेक्स, कहीं भी एक कोने पर नेट फोर्स निकालना है। तो कौन सा पॉइंट, कौन सा वर्टेक्स चुन लें हम? एम को ले लें, बताइए एफ एम ई क्या आएगा? के क्यू वन, क्यू टू अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर, थ्री थ्री जा नाइन, तो एफ एम ए आ गया के इंटू टेंस टू दी पावर माइनस 12 न्यूटन, एफ एम ए। डायरेक्शन ऑफ फोर्स कहाँ जाएगी बेटा? डायरेक्शन ऑफ फोर्स यही होगी एफ एम ए। अब बताइए एफ एम बी क्या सेम आएगा? सेम आएगा एफ एम बी। डायरेक्शन ऑफ एफ एम बी ये होगी, तो दोनों के बीच में एंगल कितना मिला? 90 कहां से बन गया यार? इक्विलेटरल ट्रायंगल में 90 कब से बनने लगा? 60 होगा ये। तो रिजल्टेंट फोर्स क्या होगा यहां? अंडर रूट। जो ए है वही बी है, के इंटू टेंस टू दी पावर माइनस 12 का स्क्वायर, फिर से के इंटू टेन टू दी पावर माइनस 12 का स्क्वायर, यहां टू, ए और बी का मल्टीप्लाई करोगे तो फिर वही आएगा के इंटू टेन टू दी पावर माइनस 12 का स्क्वायर। कॉस 60 होता है 1/2, 2 से 2 कैंसिल। कितनी बार के इंटू टेन टू दी पावर माइनस 12 का स्क्वायर आया? 3 बार। स्क्वायर से रूट हो गया, कैंसिल। अंडर रूट में बचा 3। के की वैल्यू रख देना, आंसर आ जाएगा। अंश साहू यही क्वेश्चन पूछ रहे थे बेटा उस दिन आप। आप सिंपल लग रहे होंगे सिस्टम से, हम वही तो कह रहे, सिस्टमेटिक चलोगे तो चीजें इजी लगेंगी। अगर यही क्वेश्चन मैं पहले दिन कराता तो आपको फिजिक्स ऐसी लगती है जैसे बहुत कठिन चीज है फिजिक्स। अच्छा आप बताओ, अगर इसी क्वेश्चन में अगर यहां -3 हो तो क्या होगा? सोच के बताओ।
बिल्कुल सही। अगर ये चार्ज माइनस का होगा तो FMB हो जाएगा अंदर की तरफ, देखना ये माइनस का होगा और ये प्लस का। नहीं, बताते बिल्कुल, ये माइनस का है ये प्लस का, तो अब क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ये जाएगा। अब ये -3 क्या करेगा, इसको हाथ पकड़ के खींचेगा, तो ये हो जाएगा FMB। ये पूरा होता है 180, तो ये कितना बचा, 120 डिग्री होगा। तो अगर चार्ज माइनस का होगा तो यहां कॉस 120 आएगा, कॉस 120 की वैल्यू होगी -1/2। कैलकुलेशन करोगे आंसर आ जाएगा, समझ में आया। नेक्स्ट, न्यूमेरिकल नंबर 5 बोलिए। ठीक है, देखिए ए पर है 2 माइक्रो कूलम, बी पर है 2 माइक्रो कूलम और सी पर भी है 2 माइक्रो कूलम, साइड है 2 मीटर। अब जो फोर्थ चार्ज है उसे रखा गया सेंट्रोइड पर, ये है सेंट्रोइड M। इस M पर रखा है 1 माइक्रो कूलम। आपसे कहा गया फाइंड नेट फोर्स ऑन 1 माइक्रो कूलम। तो बताइए इस M पर फोर्स कौन कौन लगाएगा। तीन फोर्स लगेंगे। अब FMA कितना होगा, K Q1 2 × 10⁻⁶, Q2 1 × 10⁻⁶। और बेटा अगर आपको याद हो M से A तक की डिस्टेंस सेंट्रोइड से वर्टेक्स तक की डिस्टेंस साइड बाय √3, साइड बाय √3 होती है। तो साइड है 2, साइड है 2/√3 का स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा, 3 ऊपर जाएगा तो 2K × 10⁻²⁷ बाय 4। तो कुल मिला के आ गया 3K × 10⁻²⁷। ये आया FMA।
सिमिलरली एफ एम बी और एफ एम सी आएंगे, ये आप सबको मालूम है क्योंकि सेम चार्जेस हैं, सेम डिस्टेंसेस हैं। अब बनेंगी डायरेक्शंस, बताओ भाई। ए का एरो ये हो गया एफ एम ए, बी का एरो एफ एम बी, और सी भी पॉजिटिव है इसका एरो एफ एम सी। कुल कितने वेक्टर्स हैं? तीन। ऐसा क्वेश्चन पहले कभी किया है आपने? इलेक्ट्रिक फील्ड में किया था अपन ने ऐसा क्वेश्चन। पहले हम इन दोनों का निकाल लें रिजल्टेंट, इनके बीच में एंगल है 120 डिग्री। डायरेक्शन बना लीजिए, रिजल्टेंट ऑफ एफ एम बी एंड एफ एम सी। अंडर रूल थ्री के इंटू 10 to the power -12 बाय 2 का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 3k × 10 to the power -12 बाय 2 का स्क्वायर, बी स्क्वायर प्लस 2 ए बी, ए का बी में मल्टीप्लाई होगा सेम आएगा 3k × 10 to the power -12 बाय 2 का स्क्वायर। कॉस 120 की वैल्यू होती है माइनस का हाफ, तो 2 से 2 हो गया कैंसिल और ये हो गया माइनस का 3k × 10 to the power -12 का स्क्वायर। देखिए एक बार प्लस 3k × 10 to the power -12 बाय 2 का स्क्वायर, दो बार माइनस 3k × 10 to the power -12 बाय 2 का स्क्वायर। तो एक प्लस का एक माइनस का कैंसिल हो गए, कुल मिला के रिजल्टेंट आ गया 3k × 10 to the power -12 बाय 2। क्या ये आंसर हो गया? अब हम बनाएंगे इस रिजल्टेंट की डायरेक्शन। मैंने आपको बताया था दो वेक्टर का रिजल्टेंट हमेशा उनके बीच में से जाता है, तो देखिए ये था एफ एम बी
ये था FMC और ये है FMA। इन दोनों का रिजल्टेंट जाएगा इनके बीच में से, ये हो गया रिजल्टेंट आर। तो अब हमें किस किस से मतलब है, आर से और FMA से। तो अब हम क्या निकालेंगे, रिजल्टेंट ऑफ आर एंड FMA इक्वल होगा आर माइनस FMA। जितना आर है उतना ही FMA है। तो अपना आंसर आ जाएगा जीरो। क्लियर इतने क्वेश्चंस?